आइए दुष्यंत हुड्डा आरव चौहान सर प्लीज बी सीटेड आरव जी तुम नेशनल लेवल के बॉक्सर रह चुके हो तुम मेरी छोटी सी एकेडमी में आए मैं बहुत खुश हूं शर्मिंदा मत कीजिए हुड्डा जी प्लीज हमारी इस एकेडमी से हर साल एक लड़की नेशनल लेवल तक पहुंचती है और इस साल भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट है निहारिका हुड्डा बेटी है मेरी बचपन से बॉक्सिंग सीख रही है और इस मुकाम तक पहुंची है बहुत सीधी सी बात है अगर निहारिका नेशनल लेवल के लायक नहीं हुई तो फिर तुम भी नेशनल लेवल के कोच नहीं बन पाओगे मनोज शेरावत को देखकर लगता है पुराना दर्द हरा हो गया अभी तुम्हारे पास आखिरी मौका है जिससे तुम अपने परिवार की खोई हुई मान प्रतिष्ठा इज्जत दोबारा से ला सकते हो निहारिका को ट्रेंड कर दो उसके नाम के नीचे साइन कर दो मैं तुम्हारे नाम के नीचे साइन कर दूंगा Choice is yours. Come on, start. Huh? Start. Punches strong hai tumhare. Balance jo hai tumhara, wo ekdam bekar hai. Come on, wapas aao, quickly. 2-2-1. Give me a combination of 2-2-1. Start. Yeah. Harder. Stronger. Nice. Hook. Give me a hook.
And balance. See how bad is your balance. और पंचेस में जल्दी बाजी. Where did you learn your boxing? How long has it been? क्या? What happened? बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा सर जी. मारे समझ में कुछ नहीं आया सर जी, पर जरूर कुछ अच्छा ही बोलोगे. मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कितने टाइम से बॉक्सिंग कर रही हो? बचपन से सर जी, यहाँ से ही थोड़ा दूर है मारा गाँव बोंगा, वहीं सीखी मैंने. बापू की दिल्ली तमन्ना थी कि मैं बॉक्सर बनूं. वो कहते थे छोरियाँ ब्याह करके अपने ससुराल चल जाती है, लेकिन तू जीवन में कुछ अलग करेगी, कुछ बड़ा करेगी. बड़े मीठा बोलते थे मेरे बापू. तभी तुम्हारी अम्मा लट्टू हो गई थी उन पर. जो ना समझना कि हमारी अम्मा कोई ऐसी वैसी थी, हर एक को ऐसे ना देखती थी वो. बस बस, I asked you a simple question. Come on, start. Punch. Left. Left. Stand here. जैब जैब हुक अपकट. यहां पर प्रेस द पावर. कहां गई तुम्हारी पावर? हे लड़की, क्या क्या कर रही है? आज तीसरी बार मैंने तुझे पकड़ा है. यहां आना तो फीस भरो, वरना लॉकर रूम दख रहो. जाओ अभी यहां से, जाओ. साहब ये कौन? अरे गांव की छोरी है गीता राणा. जेब में पैसे नहीं फीस देने के, लेकिन बॉक्सिंग का शौक रखती है. अरे वो सब छोड़ी, मैं अपनी बेटी से मिलवाता हूँ तुम्हें. निहारिका आओ बेटा. मेरी राजकुमारी. यू कैरी ऑन. हेलो. ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट हो. कम ऑन. कम ऑन कोच, सिर्फ पहला दिन ही तो है. कम इन. Can you help me with this? एक बात जरूर याद रखना कि बॉक्सिंग रिंग में सिर्फ एक विनर और एक लूजर होता है. So, जिससे पहले कि तुम्हें ये बॉक्सिंग रिंग नीचे से ऊपर ले आए या ऊपर से नीचे कर दे, चेंज योर एटीट्यूड. कम ऑन. जोश और जुनून दो ऐसी चीजें जो या तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, या तो फिर आपको जीने का एक नया मकसद या एक नई मंजिल दे सकती है. तो हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसे दो लोगों के बारे में, जो दो लोग बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं. दोनों का पैशन है बॉक्सिंग. एक तरफ है आरव चौहान. आरव चौहान वो जो अपना सपना पूरा करना चाहता था बॉक्सिंग कोच बनकर, एक हारा हुआ स्पोर्ट्स जो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता था. और दूसरी तरफ है गीता राणा, जो दिन भर सोते जागते उठते बैठते बस एक ही सपना देखती थी, और वो सपना है नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बनने का सपना. अब ऐसे दो पैशनेट लोग जब एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? प्यार,
या नफरत. That is something we'll have to wait and watch. Welcome to Ye Hai Aashiqui Siapa Ishq Ka, co-presented by Lava Smartphones. चाहिए था उसका रिएक्शन. व्हाट्स सो फनी? ये तुम लोग का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है या चैटिंग सेशन? सर जिसमें अभी आई डोंट केयर. तुम्हें नेशनल लेवल बॉक्सर बनना है एंड दिस इज योर प्रिपरेशन. आई वांट 20 राउंड्स ऑफ द रिंग राइट नाउ. सर जिसमें अभी नाउ. कीप योर स्टफ एंड कम बैक टू प्रैक्टिस. Pick up the pace, come on, pick up the pace. मुझे पानी मिलेगा? सर जी पानी तो मिलेगा पर मारे को थारे से दो बातें बोलनी है. बोलो. अच्छा तो सर जी मैं ये कह रही थी, मैंने ना गांव में बॉक्सिंग की है पर यहाँ सब बोले हैं कि जब तक यहाँ का ठप्पा ना लगे ना मैं नेशनल्स में ना खेल पाऊँ. पर पैसे हैं नहीं मेरे पास, इसलिए 3 महीने से यहाँ जिम में काम कर रही हूँ ताकि देख देख के कुछ सीख लूँ. तो मुझसे क्या चाहिए? सर जी मैंने भी कोचिंग दे दो. मैंने बॉक्सर बनना है, मैंने चैंपियन बनना है सर जी. मैंने कोचिंग दे दो. देखो ये मेरी एकेडमी नहीं है, मैं तुम्हें फीस के बगैर ट्रेनिंग नहीं दे सकता. गीता वो खड़े खड़े क्या कर रही हो? पानी लगे इधर आओ. जीने आने का मैडम. सर जी हमारी बात के बारे में सोचना जरूर. घर चलो. नहीं चुके. अरे चलो कोच सर आपकी ज्यादा लग गई, आप चलो हमारे साथ. तुमने तो कहा था कि घर पास ही में, 1 घंटे से घुमाई जा रही हो यार. को सर पास में ही तो है, बस 1.5 घंटा लगे. यानी कि 1.5 घंटा ऊपर और 1.5 घंटा नीचे. तुम 3 घंटा सिर्फ काम के लिए ट्रैवल करती हो. दिस इज इनसेन. को सर जब आपको किसी से प्यार होगा ना तब आप आके समंदर में भी कूद जाओगे. मारे को बॉक्सिंग से इतना प्यार है.
आ जाओ। हो गया तेरा आन का टाइम? तन्ने थोड़ी सी भी शर्म कोने आती के? अरे देख तो रही है कि घर में मेहमान आए हुए हैं। जा तू अंदर जा। सारी ना चाची, मैं अब भी आई। अबे आई। और बेटे कौन है ये? दाजी जी है आरो सर। मैंने बताया था इनके बारे में। आज ना इनका पैर किचड़ में गिर गया और इनके पैरों पर सूजन आ गई, इसलिए दवाई लगाने वास्ते इनको घर ले आई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना दादी? ना बेटे, ना गलत किया, बहुत अच्छा करा। बैठा बैठ 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 बैठे सर। और गीता बेटे इनके लिए पानी तो ले आ। जी दादी, अभी लाई। कौन सर, हमारी पुत्री को बॉक्सिंग का बहुत शौक है। उसको ऐसी कोचिंग देना, ऐसी कोचिंग देना जो वो नेशनल चैंपियन बन जाए। ये आपकी गुरु दक्षिणा। मैंने मलम लगा दूं ताजी, और एक काम करती हूँ, अपने कमरे के सारे लोगों से भीड़ मिला देती हूँ। मन मालूम है कि तू मानना बड़ी ना है। जाओ मिल लो जी। चलिए। सर जी, जे हमारा कमरा और जे हमारे दोस्त। बैठ जाओ, मैं हल्दी लिख कर आती जी। मैंने आपसे एक बात बोलनी है। हाँ बोलो। आपने मैंने बोला था ना कि आप एक मिनट। सर जी, हमारे पास जो भी है ना वो जेई सब है, आप जे सब रख लो, पर मैंने ट्रेनिंग दे दो। मैं जानू कि एकेडमी मैं आपको इससे कई ज्यादा देते हैं, मैं भी दूंगी। हमारे पास जैसे जैसे आए। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ये लो। सर जी, आपने मन में कहा था कि आपको मार में टैलेंट दिखे, फिर भी आप मैंने ट्रेन ना करना चाहो। मैंने आपको अपने सारे पैसे दे दिए, फिर भी आप मैंने ट्रेन ना करना चाहो। क्या चाहिए आपको? पास आपको देने के लिए बस अभी की चीज बाकी और रोए हमारी इज्जत। अगर आपको चाहिए तो ये भी ले लो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बॉक्सिंग कोच इसलिए बना ताकि मैं ये सब कर पाऊं? तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। सर जी। अरे कोच सर, घड़ी जल्दी निकल रहे हो? जी जा रहा हूं। पैसे पैसे निकालता हूँ, छोड़ो मुझे। अरे पैसे रोज रोज निकालता हूँ, छोड़ो मुझे। अरे अरे निकाल, छोड़ो। करोगे आप पैसे? करोगे मैं थोड़े लेके जाएगा। अरे दे दो इतने पैसे। घूम रहे हो, आप अपने रास्ते जाओ। जाओ वो छोरे के साथ उड़ रही है ना। खून बह रहा है। तुम उन गुंडों के साथ क्यों लड़ रही थी? एक दिन ना
कैसे कमीने छोरे मेरे बाप को भी परेशान कर रहे थे। मेरे बापू से गलती जे हो गई कि वो उनसे लड़ पड़े, उनके माथे पर चोट आ गई और मेरे बापू का सपना था कि मैं बॉक्सर बनूं। आप मैंने ट्रेन करोगे ना सर जी? देखो लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। अच्छा हमारी बात सुनो सर जी, आपके बहुत चोट लग गई है, आप हमारे साथ हमारे घर चलो, मैं आपके मलम पट्टी कर दूंगी, फिर आपको जहां जाना है आप जाओ, अभी आप हमारे साथ चलो। मैं कर लूंगा, मैं लगा देती हूँ ना, दो मिनट। के बीच में डिस्टेंस इतना? Yes. अब हम लोग 1-2-1 का कॉम्बिनेशन करेंगे, ओके? Let's go. 1-2-1. 1-2-1. 1-2-1 right hook. 1-2 right hook. 1-2 right hook. 1-2 right hook. Hi, how are you doing? 1-2 right hook. देखो चेतन ना right वालों को उनका कुछ they were not listening about it, you know. नहीं आरे कहूँ डा? Realize how late you are? Practice session सुबह 7 बजे शुरू होते हैं, not at 8 o'clock. कब तुम इसको seriously लोगी? तुम जानती हो कि यहाँ कितने सारे लोग हैं जो तुमसे ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। You are lucky. कब समझोगी इसकी कीमत तुम? हाँ, when? Start. 1-2 right hook. 1-2 right hook. 1-2 right hook. 1-2 right hook. Mr. आरव चौहान. यहाँ सबको पता है कि तुम यहाँ इस रिंग में मेरे पापा की वजह से खड़े हो। आज के बाद मुझसे कुछ भी बोलने से पहले ना अपने और अपने करियर के बारे में सोच लेना। प्रैक्टिस करो। छुप छुप के मेरे वीडियो रिकॉर्ड करके बॉक्सिंग सीखना ही है तो कम से कम मेरे इंस्ट्रक्शंस को तो मानो। मोबाइल जी ठीक है कोच सर। या 2-2-1 1-2-1 1-2-1 1-2-1 2-2-2 2-2-2 चल लड़की।
तू यहां क्या कर रही है? निकलो। धन्यवाद सर जी, आपने मैंने समय का याद दिला दिया। पर हमारी चाची वो बेलन जूते इन सबसे हमारा स्वागत करती। अच्छा मैं चलती हूँ, थैंक यू सर। हुडा जी, लड़की की बॉक्सिंग काफी अच्छी है, पंचेस में पावर है, स्पीड है और अटैक भी काफी अच्छा है उसका। बस पोस्चर स्टैंड थोड़ा गड़बड़ है, अगर ये ठीक हो जाएगा तो डेफिनेटली नेशनल्स तक जा सकती है सर। हम इसे एकेडमी में एनरोल क्यों नहीं कर लेते सर? मैं कई बार बता चुका हूँ कि उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए। सब ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स भी तो होती है, आप जानते हैं। इस साल नहीं हो सकता, काफी लेट हो चुके हैं। सर आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको पता है कि गीता निहारिका से बेटर बॉक्सर है और इसलिए आप उसको एनरोल नहीं करना चाहते, राइट? अरे अगर तुम यहाँ खड़े हो तो सिर्फ इसलिए कि निहारिका को नेशनल लेवल का बॉक्सर बनाना है। और रही बात तुम्हारे कोच बनने की, तो मैंने कमेटी के बाकी लोगों से बात कर ली है, अब सिर्फ निहारिका की ट्रेनिंग पे ध्यान दो, उसको ट्रेन करो। हैव अ गुड डे। गुड नाइट सर। कोच सर, जब आपको किसी से प्यार होगा ना, तब आप आके समंदर में भी कूद जाओगे। हमारे को बॉक्सिंग से इतना प्यार है। दाल में जरूर कुछ काला है, पूछिए इनसे ये रात को किसको ट्रेनिंग देते हैं अकेले में। चुप। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हें नेशनल कोच बना पाऊं। फिर तुम्हें करना क्या है? सिर्फ निहारिका को क्वालिफायर्स लिस्ट में डालना है। लेकिन नहीं, तुम लगे उन फालतू लोगों के चक्कर में। फालतू? फालतू हाँ। क्या आपने गीता का डेडिकेशन और कंसंट्रेशन देखा है बॉक्सिंग के लिए? जमीन और आसमान का फर्क है आपकी बेटी और गीता के बीच में। और ये बात प्रूव करने के लिए मैंने उन दोनों के बीच में एक बॉक्सिंग मैच रखी है। जो भी जीतेगा क्वालिफायर्स की तरफ प्रोग्रेस करेगा और इसमें आपकी कोई डिसीजन टेकिंग नहीं होगी मिस्टर हुडा। ये बात मैं कमिटी से ऑलरेडी कर चुका हूं एंड दे आर ओके विद इट। नमस्ते दादाजी। अरे जिंदा रे बेटा। सर आप इतनी रात को मारे घर?
दादा जी मैं बस ये कहने आया हूँ कि कल नेशनल लेवल बॉक्सिंग की क्वालिफिकेशन मैच है जो गीता और हुडा जी की बेटी निहारिका के बीच में होगी। जो भी ये मैच जीतेगा वो नेशनल लेवल के बॉक्सिंग तक पहुंच पाएगा। तो घड़ी अच्छी बात है बेटा। सर पर ये सब अचानक कैसे हो गया? बस समझो कि तुम्हारी मेहनत रंग लेके आ गई। कल सुबह अकेडमी पहुंच जाना ठीक है? मास्टर जी ऐसे कैसे अकेडमी में आ जाओगी और क्या कह रहे हो नेशनल लेवल का गेम खेलने के लिए और वो भी उड़ा की बेटी के साथ में? वह इतनी बड़ी प्लेयर या उस तो जीत पाओगी? गीता बहुत मेहनती लड़की है, बहुत मेहनत करती है और जीतने के लिए जो जुनून और जज्बा चाहिए वो गीता में है। कल जब ये रिंग में उतरेगी मेरा भरोसा कीजिए वो जीत कर ही घर लौटेगी हार कर नहीं। तुम कल सुबह ठीक 8 बजे अकेडमी में पहुंच जाना। अगर तुम मैच जीती तो नेशनल लेवल तक की खिलाड़ी बन जाओगी लेकिन तुम्हारा कोच वहां तक नहीं पहुंचेगा। अगर तुम मैच जीती तो नेशनल लेवल तक की खिलाड़ी बन जाओगी लेकिन तुम्हारा कोच वहां तक नहीं पहुंचेगा। मेरा भरोसा कीजिए वो जीत कर ही घर लौटेगी हार कर नहीं। गीता राणा क्या तुम इस मैच को आगे कंटिन्यू करना चाहोगी? क्योंकि हमें नहीं लगता कि तुम इसे कंप्लीट कर पाओगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं नहीं आती बॉक्सिंग, मैं ना खेल सकूं। सो मैम जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। खड़ी रहो। इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो कि मुझे ट्रेनिंग दो और जब मौका है तो पीछे हट रही हो, भाग रही हो। क्या हो गया गीता? सर मैंने कहा ना मैंने बॉक्सिंग नहीं आती, मैं ना खेल सकती। गीता व्हाट्स रॉन्ग विद यू? गीता फोकस। तुम्हें अपने पापा के लिए जीतना होगा। आज तुम्हें ये मौका मिला है, ये मौका लोगों को नहीं मिलता है गीता। गीता मैंने दिन रात एक कर दिया तुम्हारे लिए। गीता तुम्हें जीतना होगा। सर आपकी दिन रात की मेहनत बेकार ना जाए इसलिए तो मैं कर रही हूँ। क्या बोल रही हो? अरे हुड्डा जी ने धमकाया हो कि अगर यो जीत गई तो थारी नौकरी गई। इतना बड़ा सैक्रिफाइस करोगी मेरे लिए तुम? हाँ
इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने कोच के लिए सैक्रिफाइस करोगी? नो गीता, गीता तुम एक फाइटर हो। गीता तुम्हें मेरे दिन रात की मेहनत की भरपाई करने के लिए जीतना होगा। गीता तुम्हें मेरे लिए जीतना होगा। गीता फोकस, गीता कम ऑन, गीता तुम कर सकती हो। ऑलराइट, हाँ हाँ, रेडी सर? शी इज रेडी। वास्ते कितना कुछ किया, अपने बारे में भी नहीं सोचा। कई रास्ते में प्यार तो नहीं हो गया आपको हमारे से? कुछ मैंने सब पता है और मैंने भी हो गया है प्यार आपसे। जुनून ने उन दोनों को एक दूसरे के प्यार से मिलवा दिया और तो और उनके सारे सपने भी पूरे कर दिए। आरव, एक तरफ आरव के पास जो कुछ भी था उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया और दूसरी तरफ गीता, पर गीता को वो सब कुछ मिला जिसे उसकी चाहत थी। उसने फाइनली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पे अपनी जगह बना ली। एवरीबॉडी वाज हैप्पी। सच इज लव माय डियर फ्रेंड, इसे कहते हैं आशिकी। और लोग कहते हैं कि इश्क स्यापा है, तो मैं कहता हूं कि स्यापा है तो क्या हुआ, झेल लेंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर एपिसोड, अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलिंग इन लव। आई सी यू नेक्स्ट वीक। मैंने सब पता है और मैंने भी हो गया है प्यार आपसे। ऐसी कहानियां और देखनी है? वेल देन click below for more episodes from Bindaas Ye Hai Aashiqui. Click here for more shows from Bindaas. Aur Bindaas se sari updates janne ke liye click on the subscribe button.